जा रहा है। आपका मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम होगा। सर, टाइम से क्लास स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, एक व्यक्ति है निर्भय वर्मा, बहुत खूबसूरत ऑर्डर दिए हैं। बहुत अच्छा बात लगा मुझे। राधे राधे सभी को। प्रद्युम्न गुड मॉर्निंग। कल एडवांस मैथ क्यों नहीं हुआ सर? शुक्रवार से होगा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ शुक्रवार से होगा, ठीक है? किसी का ऐप क्रैश हो रहा है क्या? कोई ऐप क्रैश नहीं हो रहा है, अपडेट कर लीजिए। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो अभी ऐप पर क्लास चल रहा है, दिखा भी सकते हैं आपको। चलिए, नवीन भारद्वाज प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। सभी को राधे राधे। लोकेश, बिट्टू, बिट्टू तिवारी। चलिए, कल स्क्वायर सी के थे राजा बाबू ठाकुर, चंदन यादव, सुनील कुमार, सुनील यादव। तो चले अब। निशरत प्रवीण 676 आंसर दे रहे हैं। सलोनी कुमारी, निरंजन तिवारी, रवि रंजन, चंदन यादव। अच्छा लग रहा है। चलो क्लास में आते हैं, कल का रिवीजन हो जाए। थोड़ा सा एक झटका स्पीड लगा दें रिवीजन का। कल रिवीजन का स्पीड इसमें लगा देते हैं कि फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 AB, याद होगा? तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर 2 AB, और ये होगा बी स्क्वायर। तो ए के जगह 2 और बी के जगह 6, यही बताए थे। 26 का स्क्वायर, जल्दी से। 2 का स्क्वायर 2 × 2 × 6, और ये बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 6 × 12 × 24, 2 का स्क्वायर 4। कल बताए थे हम 36 का 6, ये 24, 3 27 का 7 हासिल, 2 और 4 और 2 6। मौखिक क्या ऐसे बनाना है वो भी बताए थे। फॉर्मेट दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा तो मौखिक सीख पाएंगे हम लोग, ठीक है? मौखिक के लिए फॉर्मेट दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे, नहीं तो बेकार है। आ रहा समझ में? चलो तो मौखिक इसका देखते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 अब नहीं लिखना है, केवल 6 का स्क्वायर 36, 3, 6 × 12 × 24, 3 27 हासिल, 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। कल पूरा काम कर दिए थे, तो इसमें 43 का भी जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। 2 मिनट लगेगा समय रिवीजन होने में, मात्र 2 मिनट। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 × 4 12 × 24 के 4 हासिल 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक है? चलो रिवीजन हो रहा है, कल का वीडियो में देख लेना, पढ़ाए थे बेहतरीन तरीके से। 7 का स्क्वायर 49 का 9 हासिल 4, 7 × 1 = 7 × 14 = 18 8 हासिल 1 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 87। जल्दी से चलो आगे में, रिवीजन हो रहा है भाई, रिवीजन हो रहा है। 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3 × 6 = 18 × 36 = 39 × 9 हासिल 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 = 12 1296। चलो 57 का स्क्वायर देखो जल्दी से, रिवीजन हो रहा है ये। 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4 × 7 = 35 × 2 = 70 × 4 = 74 हासिल 7, 5 का स्क्वायर 25 और 7 = 32। रिवीजन में है हम लोग, खत्म करते हैं 2 सेकेंड में। 2 का स्क्वायर 4, 6 × 12 × 24 के 4 हासिल 2, 6 का स्क्वायर 36 और 2 = 38। 74 का देखो 7 नंबर, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 128 × 56 = 57 हासिल 5, 7 का स्क्वायर 49 49 = 5 54। फटाफट अब देखो, 3 अंक का स्क्वायर आ गया। अब आ जाओ सब लोग, रिवीजन हो गया कल वाला सारा प्रश्न, अब आ जाओ। अब सीखना है, बस फॉर्मूला वही लगेगा। ए बी का होल स्क्वायर जो पहले बताए हैं, ए स्क्वायर 2 AB और बी स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगेगा भाई, फॉर्मूला वही लगेगा। कौन सा? यही वाला। तो कैसे? तो दो फॉर्मेट के रूप में इसको बनाएंगे। 324 का स्क्वायर है एक, या 324, दो रूल, एक ही रूल को दो बार दो तरीके से लगाएंगे। देखो कैसे, एक 24 ले लो और 3, एक 32 ले लो और 4। अब किसका स्क्वायर है? 32 का याद है 1024, 32 का स्क्वायर याद है 1024,
और 24 का याद है 576। स्क्वायर बोले थे कि 1 से 50 तक याद कर लेना, जो ऑफलाइन पढ़े थे उनको तो याद होगा और जो नए कुछ जुड़े हैं उनको याद करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा मुझे। चलो कमेंट चल रहा होगा, अच्छा लग रहा है मुझे। ऐप पे नहीं चल रहा है बिट्टू तिवारी, बिल्कुल चल रहा है, आप ऐप पे खरीदे ही नहीं होंगे तो कैसे चल जाएगा हवा में। चलो 32 का स्क्वायर देखो, 32 का स्क्वायर होगा यहीं से, 1 की जगह 32 हो गया 1024, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 32 × 4 तो 2 × 32, 1 × 20 तो यहां से 8 × 2 देखे 4 × 2 8, 8 × 2 16 हासिल, 1 × 18 = 24, 1 = 25 हो जाएगा। बोलो अब 16 का बताओ कि कितना अंक लिए हो, इकाई का 4 लिए हो केवल, यानी एक अंक, तो एक अंक केवल पकड़ना, 16 का 6 ध्यान से सीख लो, मौखिक बनेगा फिर बाद में जाकर मत बोलना कैसे मौखिक हो रहा है। 16 का 6 अब 1 जोड़ दो 256, 1 × 57 का 7 हासिल 25 और 25 जोड़ दो इसमें 5 × 4 9, 2 × 2 4 0 1 यानी 1 0 4 9 7 6। एक प्रोसेस है, दूसरा देखो 24 लिए हैं तो 24 का स्क्वायर 576 और इधर बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 × 3 और 2 × 24। बोलो भाई अब यहां से 24 का अंक लिए हो 2 अंक, तो 2 अंक उतारना 76 और 5 जोड़ना, यहां से 24 × 3 = 72 × 144 हो जाएगा, तो 5 जोड़ोगे यहां से पीछे आएगा तो 149 हो जाएगा, 149 का 4 × 9 2 अंक लिखाएगा और 1 पीछे जुड़ जाएगा 9 × 1 = 10। 2 मेथड फिर से सीखना मेरे से, फिर से सीख लो जितने लोग हैं, जितने राहुल आर्यन राज फिर से सीख लो, 2 तरीका बताया है इसी में, 1 32 का स्क्वायर याद है तो लो, नहीं तो 24 का याद है स्क्वायर तो बना सकते हो, दोनों में से एक किसी का स्क्वायर तो याद रखना ही चाहिए। 2 जब पकड़ेंगे, जब 2 पकड़ेंगे स्क्वायर ध्यान दो, तो 2 इधर लिए हैं तो 2 अंक उतारना सीखो और 149 होगा, 149 हो जाएगा 5 जोड़ोगे तो 49 उतार हुआ, 1 पीछे जाएगा। जब इकाई अंक पे इधर अगर 1 अंक लियो तो 1 अंक उतारना सीखो, 6 उतारे हैं और 1 यहाँ आएगा तो 256, 1 × 57 का 7 और 25 पीछे आ जाएगा, 1 ही अंक उतारना। जब 1 अंक यहाँ पकड़ोगे, 2 अंक पकड़ोगे तो 2 2 अंक उतारना, कुछ करना नहीं है, क्लियर हो। राधे राधे भाई, अंशु राहुल सभी को राधे राधे। दूसरा प्रश्न का जरा बता दो, पहले तो हम बता दे 34 का स्क्वायर याद होगा तो ठीक है, 34 का स्क्वायर होगा 1156 और 50 से ऊपर है 53, तो 53 का निकाल लो, मौखिक भी बताए हैं, 3 का स्क्वायर 9 × 15 = 30 अब 25 × 3 = 28, 2809 होगा, तो 53 का स्क्वायर 2809 है और 34 का, मेरे साथ आ जाओ 534 का एक बार 2 अंक पकड़ के चलो, 34 × 5 तो ये 5 का स्क्वायर 25, 34 का स्क्वायर 1156 और 2 × 5 × 34 यानी कि 340 हो जाएगा। 2 अंक जब पकड़े हैं तो 56 उतार लो, 11 पीछे जोड़ लेना, तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 351, फिर 2 अंक उतारना 51, 3 पीछे 25 × 3 = 28, मौखिक बनेगा रे भाई, मौखिक बनेगा। पप्पू कुमार निर्भय, मौखिक बनेगा, इसको ऐसे भी बना सकते हो जो पढ़ने वाले हैं। 534 है, इसको 4 और 53 ले लो और 53 का भी बताए कि 2809 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा और 2 × 53 × 4 हटा दिए हैं, 4 × 2 = 8, 18 × 24 और 8 × 5 = 40 और 2 = 42, इससे भी बना सकते हो, लेकिन अब अंतर क्या रह जाएगा, इकाई अंक पे यहाँ देखो 1 लिए हैं तो केवल 6 उतारना और 1 जाएगा तो 424 है 1 = 25 का 5 उतारना और फिर 42 पीछे जोड़ देना, तो 9 × 2 = 11, बताओ रे भाई
लेकिन 53 का स्क्वायर से आसान था 34 का स्क्वायर ना, 53 से आसान था 34। बोलो तो जो आसान हो उसी को पकड़ोगे ना, जो आसान होगा उसी का स्क्वायर पकड़ोगे ना, ज्यादा मस्त लगेगा, बेहतर लगेगा, खूबसूरत लगेगा। बताओ जल्दी बना दो इसका आंसर। 46 का स्क्वायर याद है? 46 का स्क्वायर याद है किसी को? 6 का स्क्वायर 36, 24 दूनी 48, 51 हासिल 5, 16 5 21, 21 16, 62 का स्क्वायर लिख लो, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 36 2 38, दोनों का स्क्वायर तुम्हारे सामने है 21 16, जल्दी बना लो। बिट्टू तिवारी बोले सर आज खरीद लेंगे, तब फिर काहे हवा मचा रहे हो पूरा कमेंट बॉक्स में कि नहीं चल रहा है, बिना खरीदे तुम चला रहे हो। चलो 462 उतारेंगे तो 62 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 4 का 16, 62 का स्क्वायर 3844, इसका आंसर बताओ। 2 × 4 × 62, अब बता दो 44, यहां से 4 × 2 = 8 होगा, 8 × 2 = 16 हासिल है, 8 × 6 = 48, 48 × 1 = 49, ठीक है। देखो 8 × 2 = 16, 8 × 6 = 48 = 49, 44 उतारोगे 2 अंक और 34 पीछे जाकर जोड़ देना, 6 × 4 = 10 और 9 × 3 = 12 × 1 = 13, ये 530 का 30 जोड़ देना, 5 × 6 = 16, 5 × 21, 21 30 44 दे रहे हो आंसर, 21 34 दे रहे हो। आठ यहां से होगा 38, अच्छा 38 जोड़ना था ना, ठीक है तुम लोग ठीक हो, 38 है, बिल्कुल आंसर सही है तुम लोग का भाई, तुम लोग सही हो, हम कहाँ बोल रहे हैं, अभी तो हम कुछ किए ही नहीं, ये 34 होगा जोड़ोगे तो, बिल्कुल सही हो तुम लोग, बिल्कुल सही हो। एक प्रोसेस ये और दूसरा अभी बता है ये कि 462 है, स्क्वायर करोगे तो 46 से 2 ले लो, तो 46 का भी बताएं 2116 होगा, और ये होगा 2 × 46 × 2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये नहीं 2 46 और 2, ठीक है 2AB, तो 1 की जगह 46 है 20, 2 × 2 = 4, 6 × 24, 4 से 4 × 6 = 24, 2 और 4 × 16 = 2 = 18, ठीक है। तो 4 उतारो यहाँ से इकाई स्थान पे, यहाँ भी 4 है उतारो, 18 पीछे ले जाकर जोड़ो, 8 × 6 = 14 हासिल, 1 1 1 2 1 3 और 1 21 से एकदम 34 सही लाए हो, 21 34 44, 21 34 44, 21 34 44 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सब लोगों का। प्रद्युम्न सलोनी केसरी राजा बाबू, अगला प्रश्न बना डालो इसका। 37 का स्क्वायर याद है? 1444 होना चाहिए, एक बार निकाल भी देते हैं, नहीं 1444 नहीं, 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4, 21 × 2 = 42, 4 × 6 = 46 हासिल 4, 3 का स्क्वायर 13 = 69, ठीक है 13 = 69 होगा, जल्दी बना डालो इसका आंसर। 37 13 69, 38 का 44, सलोनी केसरी का आंसर आ चुका है 140 625, सलोनी कुमारी का भी आंसर आ चुका है, मतलब कुछ लोग आंसर लाए जा रहे हो। चलो 37 और 5 ले लो, ज्यादा आसान होगा, 37 5 ले लो ज्यादा आसान होगा, यहां से 5 का स्क्वायर 25 और 37 का 13 = 69, 37 का 13 = 69 हो जाएगा, और यहां से 2 × 37 × 5 यानी कि 5 × 2 = 370 होगा, इकाई अंक 5 होगा, और ये 2 जोड़ दो तो 372 का 2 हासिल 37, फिर 9 × 7 = 16 हासिल 1 × 3 = 9 = 10, देखो तो आंसर आया है 0 6 140 625, चला रहे हो सब, सही तो हो तुम लोग भाई, सही हो सही हो सही हो, मौखिक बन जाएगा जब स्क्वायर याद रखोगे,
गलत है अख्तर अंसारी आंसर आपका। अख्तर अंसारी आपका आंसर गलत है। चलो बताओ इसका जल्दी से, 36 का स्क्वायर 1296 होगा, 36 का स्क्वायर 1296 और 23 का स्क्वायर 529, दोनों लिख दिए स्क्वायर, दिमाग में नहीं था कभी कभी गायब हो जाता है। चलो दोनों का स्क्वायर लिख दिए, दोनों में से किसी को यूज करके बना डालो जल्दी। सतीश, राहुल, चंदन अब सही आ रहा है, इसका आंसर बता दो भाई। हाँ राधे राधे आंसर देने वाले, टाइप में गलती कर दिए थे। ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो भाई पहले। राजा बाबू ठाकुर लग रहा है कोर्स खरीद लिए तभी बता रहे उनको। 55996 सलोनी केसरी का आंसर आ चुका है, पंकज मेहता का भी आंसर आ गया है, मतलब प्रद्युम्न कुमार, कुमार निर्भय सब का आंसर आ रहा है। वह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम भी देखते हैं 36 का स्क्वायर 1296 होगा, होगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ से 2 × 36 यानी 2 × 2 × 36 तो 144 होगा, और 96 उठा के रख दिया है, 2 अंक लिए हैं तो 12 जोड़ दो धीरे से, तो ये हो जाएगा 156 का 56 जोड़ दिया, 4 × 1 = 5, देखो तो 55 × 69 आ गया है। बहुत सुंदर चल रहे हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहे हो सब। बताओ इसका आंसर, 141 का स्क्वायर जल्दी बता डालो। रत्नेश श्रीवास्तव, बिट्टू तिवारी, हिमांशु तिवारी और लोग हैं, आंसर दे डाल भाई इसका। अब 14 का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए था, 14 का स्क्वायर होगा 196 और 41 का स्क्वायर होगा 1681 मेरे हिसाब से। 1 का स्क्वायर 1 और 4 × 4 = 8 और 4 का स्क्वायर 1681, जल्दी बताओ। सलोनी कुमारी आंसर इस बार दे चुकी हैं पहले, उनका आंसर है 1988 1, इसके बाद कुमार निर्भय फिर सलोनी केसरी आंसर दी हैं। प्रद्युम्न मतलब अब क्लियर है। चलो 41 का स्क्वायर लोगे तो 1681 लिखो और ये 1 का स्क्वायर 1 लिखो, 2 × 1 × 41 तो यहाँ से 41 × 82 होगा 81, ये हो जाएगा 16, ये जोड़ दो तो 6 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, ठीक है 98 ले लो और ये 1988 1 आया है। बिल्कुल ऐप पे भी दो पढ़ ले, ऐप पे जो लोग कमेंट चला रहे हैं उनका भी पढ़ ले, ऐप पे जो चल रहे हैं उनका भी हम पढ़ ले। हरिशंकर महाकाल ऐप का जो लोग अभी देख रहे हैं, पासवान चंदन, कुमार सलोनी, रजनीश, दीपू, अभिषेक, ऐप वाले का चल रहा है जिनका, उनका हम कमेंट पढ़ रहे हैं अभी। चलिए आगे का आंसर कोई बताएंगे। चलो 745, 45 का स्क्वायर पहले निकाल लो, आसान हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 5 × 20, 20 25 45 का स्क्वायर लिख दिए हैं, बना लो। शिवम बोरे एकदम क्लास जैसा फीलिंग आ रहा है, बिल्कुल क्योंकि सर तो वही है ना, ऑफलाइन वाले ही सर हैं तुम्हारे तो फीलिंग तो आना ही चाहिए। चलो अच्छा से बना लो, बनाए हम कोई आंसर पहले देने वाले का नाम लेना जरूरी है। सलोनी कुमारी फिर आंसर दी है, अभी रोहित कुमार का आंसर दोबारा 2 नंबर पे है, पप्पू यादव 3 नंबर पे, 4 नंबर पे सलोनी केसरी का आंसर चला गया है। प्रद्युम्न कुमार, राहुल भाई, सर मेरा परिचय नहीं हो रहा है, हंसाते हो सब। चलो 45 का निकाले हो 20 25 और 7 का स्क्वायर 49 निकाले हो,
आ 2 × 7 × 45 की हो, 45 × 90 है 9 × 7 = 63, 25 उठाओ यहाँ से, 20 जोड़ो 650 उठाओ, आ 6 जोड़ो 49, 6 × 55 9 × 6 = 15, ठीक है 55 50 25 आया है, 55 50 25, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कोशिश करो परचेज अकाउंट में बैलेंस होगा तब ना होगा, 23 का क्यू आ जाए। अब देखो क्यू में ड्रामा नया करेंगे, क्यू निकालने का दो तरीका, मेरे पास एक नया मैजिक, उससे सीखो, क्लास वाले तो सीखे ही हैं, बाकी लोग सीखने वाले जो होंगे सिखाएं। चलो आ जाओ, पहले छोटा छोटा अंक का क्यू सिखाएंगे, ठीक है, पहले 23 का एक देख लो डेमो, 3 का क्यू क्या होगा 27, तो 3 अंक लिख लेना, थोड़ा आराम से चलेंगे, 3 का क्यू होगा 27, 3 अंक लेंगे, और 2 का क्यू होगा 8, तो 8 के पीछे 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में, 8 के पीछे 3 अंक लेने से भी कोई फायदा नहीं है, लिख सकते हो इच्छा होगा तो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से मैजिक होगा, जरा ध्यान देना, 2 से 2 6, 2 6 = 78, 18, और ये बचा 23, तो 23 को मल्टीप्लाई कर लो, 18 से 38 54, 5, 18 × 36 और 5 41, 414 आया, और 414 को एक अंक छोड़ के लिखना, 4 1 4, ठीक है, बस आ गया आंसर, 7 4 2 6, 1 का 1, 8 4 12, आंसर मिला लो 12 167। ऑफलाइन वाले आंसर दे चुके हैं, परचेज करने पर एरर बता रहा है, ठीक है, आपका अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, एक व्हाट्सएप नंबर जारी करते हैं उस पे, और कोई लोग क्लियर हैं? अभी तो आज ही 2-3 लड़के परचेज किए हैं भाई, अच्छे से मुझे तो दिखाई दे रहा है। चलो एक 16 का तुम निकालो, आसान सा एक देते हैं प्रश्न, 16 का निकाल कर बताओ मुझे क्यों, 16 का क्यों निकाल कर बताओ मुझे जल्दी से, अभी बता है ना, 6 का क्यों पता है 216 होगा 3 अंक, और 1 का क्यों 1 होगा पता है ना, ये देखो एक लास्ट ये सिखा रहे, इसके बाद तुमको बनाना होगा, 1 × 6 तो 6 × 6 = 36, 18, 6 × 6 = 3, 18, फिर 16 जो है उसको गुना कर लो, तो ये कर लो, 8 6 = 48 = 4, 6 × 8 = 14, 4 × 18 हासिल 1, 1 1 1 1 2 288, 1 अंक छोड़ के जोड़ लो, 6 का 6 9 8 2 10 40 96, देखो 16 का क्यू 40 96 आ चुका है, बहुत सुंदर आप लोग आंसर, ये तो डायरेक्ट लग रहा है मुझे बता रही हैं आप लोग। चलो अच्छा ठीक है, एक बनाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ इसी में 27 का बनाओ, तो 27 का बनाओ, आगे भी है प्रश्न, सर ये तो याद करा दिए हैं, हाँ लेकिन इसका तो बता सकते हो, 29 16, ये 29 16 किसका बता रहे हो राहुल भाई, चलो क्लास में ही याद करवाए थे, बिल्कुल ऑफलाइन में तो याद करवाते ही हैं। मिस्टर एडी 19 683 एक आंसर लाए हैं, निशरत प्रवीण भी लाई हैं, मतलब कुछ लोग आंसर ला चुके हैं, आ जाओ 7 का क्यू पहले बताओ, 343 होगा, और 2 का क्यू 8 होगा, पीछे 0 लगाने से भी कोई फायदा नहीं, अब देखो 2 7 14, 14 3 42, और ये हो गया 27, गुना कर लो, 27 × 54 = 4 हासिल 5, 108, 108 × 5 113, 4 3 1 और 1, तो 3 होगा 1 अंक छोड़ कर जोड़ना है, 8 3 3 6 8 1 9, 19 683 लाए हो, 19 683 लाए हो, बहुत सुंदर,
चलो इसका बनाओ 34 का क्यूब, 34 का क्यूब बताओ 37। सबसे पहले इसका आंसर देने वाले का हम नाम जरूर लेना चाहेंगे, मिस्टर एडी और निशरत परवीन और दो ही लोग सलोनी केसरी, प्रद्युम्न कुमार और विकास कुमार। ये लंबा है कह रहा है एक लड़का, कहाँ है भाई, मतलब इससे भी छोटा कोई बताया है क्या तुमको? इससे भी छोटा अगर है तो याद कर लो, बस छोटा हो जाएगा। 4 का क्यू होगा 64, लेकिन 3 अंक लिखना था, कई अंक, 3 अंक, 3 का क्यू होगा 27। अब आ जाओ 3 × 4 = 12 बढ़ती है 36, आइए 34 से गुना करना है, 6 × 4 = 24 हासिल, 2 × 3 = 12 × 6 = 18, 18 × 12 = 30 = 32 हासिल, 3 × 9 = 3 = 12, 4 × 2 = 2 = 1, 4 × 6 = 10 = 2 = 1 = 3 = 7 = 9 = 39, 30 = 4 बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले इसमें आंसर कौन दिया इसका? प्रद्युम्न कुमार इस बार आंसर दे दिए हैं पहले। दूसरा नंबर पे निशरत प्रवीण दिए हैं, डॉन कुमार दिए हैं 3 नंबर पे, सलोनी केसी 4 नंबर पे। चलो 4-5 लोग का नाम लेंगे, 42 का क्यू देखते हैं कौन बना रहा है पहले, संजय यदु वंशी भुजबल राहुल भाई बनाओ अब की इस बार आंसर दे दो इसका, तो बता दे तुम्हारा नाम ले ले हम। इसका बता दो तो नाम ले ले। पहले पंकज मेहता आंसर दिए हैं इसका, पंकज मेहता, अब सही दिए है कि गलत ये तो हम नहीं बता सकते। पंकज मेहता पहले आंसर दिए हैं, सलोनी केसरी दिए हैं उनका अलग है, तो पंकज मेहता का आंसर गलत हो गया। तब इसके अनुसार 74 = 88 आया है। निशरत प्रवीण, ईमानदारी से अगर बोला जाए तो निशरत प्रवीण और इसके बाद सलोनी केसरी, इसके बाद डॉन कुमार और प्रद्युम्न कुमार, इसके बाद मनीष, फिर चलते हैं। 2 का Q 8 होगा, 3 अंक लिए हो, और 4 का Q 64 होगा, लियो ऐसा आ जाओ, 4 × 8 = 18 = 24 और ये 42 था, 24 × 48 = 4, 24 × 96 = 96, अच्छा 96 = 400, ठीक है आ जाओ, 8 × 0 = 1, 8 होगा 0 = 4, 74 × 88 लाए हो सब, लाए हो, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बनाओ 56 का बनाओ, छप्पन का जल्दी बना कर आंसर दे दो भाई। छः का 216 हो जाएगा और 5 का 125 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30 और 30 × 90 और ये हो गया 56। बनाओ कोई पहले आंसर देने वाले का नाम ले ले। निशरत प्रवीण इस बार और डॉन कुमार, पप्पू यादव, प्रतीक शुक्ला, मनीष यादव, संजय पांडे, विकास कुमार, कुमार निर्भय, पिंटू कुमार, इतने लोग, नवनीत कुमार यानी कि सलोनी केसरी, बबलू अंसारी, उत्तम कुशवाहा, लगभग लोगों का आंसर इस बार चल रहा है। 56 से गुना किए 0 और ये 56 का 0 हो गया, गुना करने आता है कि कर दे बताओ, 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 5 का काम खत्म, 54 का 4, देखो 9 × 6 = 54 और 5 × 0 = 0, तो 54, 9 × 6 = 54 = 4 हासिल 5, और 9 × 5 = 45 और 5 = 50 आ जाएगा गुना करने, नहीं तो सीधे 56 और 9 से करो, 0 बाद में रख देना,
9 6 54 हासिल, 5 45 और 5 50 जीरो बैठा दो, दोनों में से जो चुनना है 0 4 0 5 6 1 6 5 7 1 यानी कि 17 56 16 आंसर ला रहे हो क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर। आगे चलो, 74 का निकाल लोगे घर पे, 63 का भी निकाल लोगे, 84 का भी निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन में इस क्यों खत्म हो गया, इसके बाद वाला आपको पढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद वाला नहीं दिए हैं, इसके बाद वाला कैलकुलेशन नहीं है। रुक जाइए आप लोग, कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, तब तक मेरे साथ आ जाओ, तब तक मेरे साथ आ जाओ। नहीं, आप लोग बैठे रहिएगा, हम तब तक आपका काम कर देते हैं 2 सेकेंड। कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट शुरू करना है। चलिए आप लोग जुड़े रहेंगे, हम प्रश्न लिख रहे हैं, आप लोग बनाएंगे, ठीक है? पहले तो अब हम क्यू बता दें आपको, क्यू तो सिखाइए दिए हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे कि 1849 का कैसे निकालेंगे, 1849 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जो पूरा पूरा किसी का स्क्वायर हो, किसी संख्या का पूरा पूरा स्क्वायर हो, पूरा पूरा स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना या फिर कुछ करना, दोनों में से आपको बताएंगे, ठीक है ना? तो 1849 से इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेगा, मेरे साथ आ जाना, ध्यान से सुनना, टाइम लगेगा लेकिन सिखा देंगे। इसको सीखने से पहले यहाँ कुछ सिखा रहे हैं, उसको याद कर लो दिमाग में कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का लोगे तो 100 आएगा। स्क्वायर करने पे ये चूज करना है कि कौन सा संख्या स्क्वायर करने पे आएगा। पहले तो एक और चीज इससे सीखा कि स्क्वायर पूर्ण कभी नहीं होगा जब इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो, 2 3 7 7 8 इकाई स्थान पे आएगा, वो किसी का पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। टाइप ही नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं है, हमारे पास है 2 3 7 8 अगर है तो कभी पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन कब कब पूर्ण स्क्वायर होगा, 1 4 9 6 5 और फिर 6 1 4 9 आएगा, और 0 भी होगा तो स्क्वायर होगा। एक चीज सीख गए, दूसरा चीज सीखिए आप यहाँ पे कि 9 कब कब आता है, तो 9 कब कब आएगा, 7 है तो 9 आएगा और 3 है तो 9 आएगा। ये तो आप बच्चा वाला बात है, याद रहना ही चाहिए, कमेंट अगर कर रहे हो तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे राधा राधा वाला सॉन्ग बाद में गाएंगे, पहले ये बताओ क्लियर हो, पहले क्लियर हो ये चीज, तो ये या तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और या फिर 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, बता दो। या 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा या 7 का करोगे तो, और 2 अंक को हटा देना, कितना अंक को, 2 अंक को। ध्यान से सुनना, टाइम देना और आराम आराम से सुनना। 2 अंक हटा दिए यहां से, बताओ ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 4 का स्क्वायर तुम जानते हो 16 होगा और 5 का होगा 25, तो 25 अधिक हो गया इसलिए 4 का लेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। और 16 से ये बड़ा है कि छोटा है ये बाद में बात होगा, पहले 4 का स्क्वायर 16 और उसका 4 का सक्सेसर कौन होगा, 5। 4 का सक्सेसर यानी अगला टर्म ले लेना है और गुना कर लेना 5 का 20, और 20 से बताओ ये 18 जो है छोटा आया कि बड़ा आया, 20 से 18 जो आया छोटा आया कि बड़ा आया, 20 से 18 छोटा आया, तो ये दोनों में छोटा कौन है, 3,
और यहां से कौन लेकर चले हो चार, तो 43 का स्क्वायर 1849 होता है, निकल गया मौखिक। बिल्कुल बिल्कुल लीला देवी, जितने लोग हैं एचएस भारती, अब देखो दूसरा प्रश्न देते हैं किताब में से, कि यहां पे दिया 31 36, 31 36 ये किसका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसके लिए मेथड चेंज कर देंगे, ध्यान से सुनना, पहले सुनो क्लियर करा दें, या तो ये 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा, क्लियर है, 6 कब आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे या 6 का, ठीक। अब बताओ मुझे कि यहां से ये क्लियर हो जब, तो 2 अंक इधर 2 अंक इधर, अब बताओ कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो 36 से छोटा हो जाएगा इसलिए 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा 25, और 5 का सक्सेसर लेंगे 6, यानी 6 5 30, 30 से बड़ा है 31, 30 से बड़ा है 31, तो दोनों में बड़ा कौन है 6, इसलिए 6 लेंगे और यहां से 5, 56 का स्क्वायर था 31 36, किसका स्क्वायर था 56 का, क्या आंसर दिए जा रहे हो, गर्दा मचा दिए हो सब तुम लोग तो। अगला प्रश्न में आ जाओ भाई, अगला प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन है किताब में 38 84, इसका तुम बना लो 38 44 है, 38 44 पूर्ण वर्ग है ये, और इसका आंसर दे दो, श्री राधे राधे का सॉन्ग सर, बिल्कुल करेगा सर आपका 599 वाला कोर्स सी सेट, बिल्कुल सी सेट सीजीएल बैंक पीओ A to Z में काम करेगा, एकदम जीरो से पढ़ाते हैं और वहां तक ले जाकर छोड़ देंगे कि आपसे मैथ खुद बनने लगेगा और मैथ को सही और गलत काटने का अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा, इसका गारंटी नहीं होगा चैलेंज होगा। चलो इसका बताओ, 4 है तो या तो ये होगा 6 का 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 2 होगा या 8 होगा, ठीक है, 2 होगा या 2 अंक हटा दिए। अब बता दो इसका 38 है, 38 है भाई, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 अधिक हो जाएगा तो 6 लेंगे, और 6 का सक्सेसर होगा 7, 6 लिए हैं सक्सेसर 7 है 42, और 42 से बड़ा है कि छोटा है बताओ, 38 छोटा है तो दोनों में छोटा कौन है 2, और यहां से क्या लिए 6, तो 62 का आंसर दे ही रहोगे, अरे वाह तुम लोग तो आंसर मेरे से पहले दोहरा रहे हो, बार बार दिमाग में है कि क्वेश्चन बोर्ड पे है। चलो अगला है 51 84, 51 84 इसका बता दो, इसका बता दो, क्लियर है सब लोग, 51 84 कोई बताने वाले हैं, बहत्तर आंसर दे रहे हो इसका, एक आदमी 78 दिया है निशरत प्रवीण, हम भी देख लेते हैं, 2 का होगा और ये 8 का होगा, 2 और 8, और ये बताओ 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 60 का तो 64 हो जाएगा, 7 से अगला टर्म 56, 56 से छोटा है ना, 56 से छोटा इसलिए छोटा वाला 2 है और यहाँ पे लिए थे 7, 72 होगा, 72 होगा, जितेंद्र पवन चौधरी अगला बनाओ दे रहे हैं, अगला है 86 49, जल्दी से बना लो 86 49 का, जल्दी से, निशरत प्रवीण पूछ रही हैं कि कौन से बैच के हो तुम, सर गलती से टाइप हो गया, चलिए या तो 3 का स्क्वायर होगा 9 या तो 7 का स्क्वायर होगा 9,
नीरज कुमार यादव, उत्तम कुशवाहा, प्रद्युम्न, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर दो। सोनल कुमार सिंह, अब तो इतना हेल्प कर दिए, इसका बताओ। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 ही ले पाओगे और 9 का अगला टर्म 10 लोगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में ये कौन होगा, पीछे छोटा है तो, छोटा है तो 9 तो लेना ही था, दोनों में 90 से ये छोटा है तो कौन लोगे, 3, तो 93 का एकदम सही आंसर है, बना लोगे यानी कि ना। चलो अगला है क्वेश्चन, इसमें 50 41 है, इसको बनाना है, 92 16 है, 2 लिख दिए, दोनों का आंसर दे दो, जल्दी जल्दी खत्म किया जाए इसको, जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। इसका आंसर बता देते हैं, या तो 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर होगा 81, और ये होगा 7 का स्क्वायर 49, 57 56, 56 से ये छोटा इसलिए 1 लिया जाएगा, और यहाँ पे 7 है, 71 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर 81 या 10 लेंगे, 9 दहिया 90, 90 से 12 है इसलिए 6 लेंगे, और यहाँ 9 96 का होगा। क्लियर हो, मिला लो आंसर, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, जल्दी से खत्म करते हैं। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसको अलग तरीके से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसको बनाने का तरीका अलग है, अलग तरीका से बताएंगे, अलग तरीका से बताएंगे, जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अलग तरीका से बताएंगे, पूर्ण वर्ग अलग तरीका से बताएंगे, अगर नहीं होगा तो, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अलग तरीका से बताएंगे, अभी बोल रहे हैं बार बार एक ही बात, ये अभी बना लो टाइप, फिर उसमें चलते हैं। 86 49 का आंसर दे दो, 86 49, इसके बाद तुम, सॉरी 86 49 बना लिए हो तुम, इसका आंसर दे दो, क्या नाम है, 92 16 82 81, और इसके बाद तुम बड़ा सा एक दे रहे हैं उसको बना लो, 125 44, 125 44 वाला बनाओ, 125 44 वाला बनाओ। सनी सिंह, परसेंटेज का पूरा टाइप कब करेंगे सर, ऐप पे, ऐप पे परसेंटेज का पूरा टाइप चलेगा, वो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी बता डालो। चलो जल्दी बताओ, देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और ये बताओ 125 किसके करीब होगा, 11 का स्क्वायर 121, अब 12 का 144 हो जाएगा, तो 11 लोगे, 11 का सक्सेसर 12 लोगे तो 132 हो जाएगा, ये 132 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो छोटा, 11 तो उतारना ही था, 132 से छोटा है तो ये 2 ले लो, 112 लिखे हो आंसर, अरे वाह, टेक्नो टेक विथ राजेश, 112 आएगा इसका, और उसका 91 आएगा, 1 और 9 दो अंक, और यहां से 9 का स्क्वायर 81 और 10 90, 90 से छोटा है तो 9 यहां से लिया और 1 91 इसका, और इसका 112, आया समझ में, क्या कर रहे हो सब, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, अगला पूछ रहे हैं उसका बता दो आंसर, अगला पूछ रहे उसका आंसर बता दो, 210 और 25 है, इसको बना दो, 210 और 25 है, जल्दी बनाओ 210 और 25, कोई है आंसर देने वाले, एक के बतावा बिना मतलब का टाइप करता है, एक वाय सर समझ नहीं आ रहा है, आओगे एक के बेर बीच में वीडियो में घुसोगे या समझ जाओगे, क्या सोचता है मैथ को मजाक,
या टप दे एक बार क्लिक किया समझ के निकल गए 2 सेकंड में। हाँ ड्रामा करते हो, टाइम देना पड़ता है यार कंसंट्रेशन बना के। ये सिर्फ 5 का स्क्वायर होता है, 2 अंक खत्म। ये बताओ कितना होगा, 15 का 225, 14 का 196, तो 14 लोगे। 14 का 15 का सक्सेसर नहीं करना इसमें, क्योंकि इकाई स्थान पे सिर्फ क्या है 5, तो 5 लो और 14 से बस उठा के डाल दो 145,000, करोगे भी तो वही आंसर आएगा। तो क्यों करे भाई ये बताओ, 5 ही केवल उतारना था। ये सक्सेसर से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा और छोटा चुनना होता है, तो बड़ा और छोटा है ही नहीं, सिर्फ 5 है, तो 5 उतार दिया, 14 का स्क्वायर 196, 15 225 हो जाएगा, तो सिर्फ 14 ना लेना था, क्योंकि 15 तो आगे चला जाएगा। कमेंट करके बताओ जल्दी। बिल्कुल सही है, बीच में घुसो गया, कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, टाइम देना पड़ता है मैथ पढ़ने के लिए यार, हवा में थोड़ी होता है। आता ऑफलाइन में तो बताते तोरा कि कैसे समझ में आता है, वो खट खट समझ में आता है ऑफलाइन में। आया समझ में? कहाँ गया, भाग गया? अरे कहाँ है संतोष? चलो बताओ इसका, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 8 का स्क्वायर, ये हो गया इकाई दहाई खत्म। अब ये 3 अंक में आओ, 13 का 169 और 14 का 196 हो जाएगा, तो 14 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 196 हो जाएगा, 13 लेंगे। अब सक्सेसर लेना है, क्यों? क्योंकि बड़ा और छोटा, ये सक्सेसर हुआ, अब क्यों लेंगे, बड़ा और छोटा तय करना था। तो आ जाओ यहाँ से निकालो, 14 के 42 हासिल, 4 14 4 18, 182 से 12 है भाई, तो दोनों में 12 कौन है, 8, और यहाँ से 13 यानी 138। क्लियर हुए कि नहीं हुए? 132 चला रहा है सब, जो मन करता है वही चलाते हो सब आंसर। रोहित यादव एक सही आंसर दिए इसका, हिमांशु तिवारी, रंजन 132 चला रहा है पागला। क्या पढ़ता है वो, 147 चला रहा है, देख लो क्या ही सबको पढ़ाया जाएगा। अरे एक आध को लिख के कमेंटवा में बेइज्जत करो जो 132 आंसर दिया है। बिल्कुल ऐप पर क्लास चालू है, ऐप पे अभी क्लास चल रहा है, ऐप पे जितने लड़के अभी मैसेज कर रहे हैं उनका हम पढ़ लेते हैं। ऐप खोलिए, ऐप पे जितने लड़के चल रहे हैं, वीर सिंह है एक, 852 में मैसेज किए थे वो, और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, महाकाल बोल रहे हैं कि हम लोगों को नहीं देख रहे हैं ऐप पे, बिल्कुल देखेंगे आप लोग को भी, बस 1-2 दिन के बाद आप ही लोग को केवल देखेंगे, 1-2 दिन के बाद आप ही लोग को देखेंगे। आ जाओ यहाँ से इसका बनाओ, 262 44, जल्दी बनाओ इसका, जल्दी बताओ। रविंद्र राज बोरे सर मेरा नहीं नाम ले रहे हैं, नाम भगवान का लेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हारा नाम लेकर क्या करेंगे बताओ। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से होगा 15 का 225, 16 का 256, 17 289, 17 आगे चला जा रहा है, तो 16 लेंगे, और 16 के आगे सक्सेसर 17 है, तो 17 में 16 में 7, 17 से गुना करो, 17 गुने 16, 66 42, 4 और 6 और 7 13, 13 और 4 13 4 17 हासिल, 1 1 272 आया, 272 से ये छोटा है, तो छोटा है तो छोटा टर्म पकड़ो, यहाँ 16 162 आंसर दिए हो। इस बार आंसर आने लगा है बहुत का, बहुत सुंदर, सो जाते हो सब कभी कभी रह रह के। अगला आंसर है, एक बनाओ, 53 824, चलो 53 824 बना डालो, इसको बंद किया जाएगा, इसके बाद दूसरा चीज सिखाएंगे, इसका आंसर दे दो, 53 824, 53 824 आंसर दो, 53 824 आंसर दे दो,
232, 192, 232 जो दे रहे हैं उनका सही होना चाहिए। ये 2 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये खत्म। 23 का होता है 529, मालूम है। तो ये 23 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा, ये 23 से, देखो 23 वाला हम ले सकते हैं क्योंकि 23 से अधिक है ये। और 23 के अगला टर्म कौन है? 24। तो 23 तो लेना ही था, 24 से गुना करेंगे। 24 3 72, हाँ से 7, 48 और 7 55, 552 आया। 552 यानी छोटा है, तो दोनों में छोटा कौन है? 2, और ये 23। 232 आया कि नहीं आया बताओ? जो पढ़ने वाला उससे बात हो रहा है भाई, बाकी तो घूमने वाले हैं। क्लियर हो सब? अब कुछ नया करते हैं, ठीक है? कल बाकी जो कैलकुलेशन होगा तीसरा क्लास में कंप्लीट करा देंगे। क्यूब कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कल का क्लास होगा कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है? और अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखो। क्या सिखाने जा रहे हैं? कैलकुलेशन में पूर्णांक, पूर्णांक है कि एक पूर्णांक 1/2 और प्लस 3 पूर्णांक 1/2 कैसे जोड़ा जाएगा। पूर्णांक के बारे में सबसे पहले जानना है कि ये पूर्णांक जो है भागफल होता है। ये क्या होता है? भागफल। और ये होता है शेषफल, सॉरी ये भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और शेषफल होगा ऊपर वाला, ये क्या होगा? शेष। याद रखना, पूर्णांक में भागफल होता है। कैसे? तो 2 से हम एक संख्या में भाग दिए, जब सब कर लोगे तो ऊपर संख्या आ जाएगा। भाजक कितना था? 2। भागफल कितना? 1। शेषफल कितना है? 1। ध्यान सुनो, टाइम लगेगा लेकिन उसके अंदर के कंसेप्ट को तो सीख लोगे यार। भागफल भी 1 और शेषफल भी 1। देखो, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, तो 2 + 2 = 1 = 3, यानी संख्या कितना था? 3। 3 जिसमें तुम भाग किससे दे रहा था? 2 से, यानी 3/2 अगर तोड़ोगे इसको तो कितना आएगा? 3/2। पहले पूर्णांक सीखो, फिर पूर्णांक पे कैसे डायरेक्ट जोड़ेंगे वो सीखेंगे। पहले सीखो पूर्णांक, फिर पूर्णांक को कैसे डायरेक्ट जोड़ेंगे वो सीखो। तो 3 संख्या था, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 3, इसमें भाग कितना से दे रहे हैं? 2 से। कंप्लीट हो? अब एक चीज और सिखा रहे हैं कि पूर्णांक ना, एक पूर्णांक 1/2, ये जब जो 2 + 2 = 3/2 डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन यहां से एक और चीज सीखो कि पूर्णांक में ये बीच में ना एक प्लस छिपा हुआ होता है। देखो इसका भी मान वही आएगा, 2 + 2 = 3/2, आया कि नहीं आया? क्लियर हो? कमेंट करके बताओ। अरे कमेंट करो सागर गुज्जर, क्या ये 93 93 किसका आंसर लिख रहे हैं ये लोग? पीछे वाला भी चल रहे हैं वीडियो देखकर, पीछे वाला। तो पूर्णांक के बीच में क्या होता है? प्लस होता है। एक चीज सीख गया। अब एक पूर्णांक 1/2 और ये हम बोल रहे हैं 2 पूर्णांक 1/2, मान लो ये जोड़ने के लिए आ गया। तो पूरा लॉन्ग सीख लो, फिर शॉर्ट बताएंगे। शॉर्ट अगर सीखना तो कैसे? 2 + 1 = 3 और 50 यानी आधा और आधा 3 + 1 = 4 आंसर हो गया। लेकिन अब कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो कैसे होगा। एक पूर्णांक 1/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस 2 है तो 2 पूर्णांक के बीच में प्लस होगा, प्लस 1/2। अब बता, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, अब प्लस 1/2 को 2 लिखेंगे, और यहाँ ऊपर होगा 1 और यहाँ भी ऊपर होगा 1, तो 3 + 1 = 1 2 / 2 कटा देंगे, 1 आएगा, 3 + 1 = 4। ये कंसेप्ट हुआ। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा, पूर्णांक को जोड़ लिए, और ये आधा आधा 1 यानी कि 4 आ जाएगा। कमेंट करो क्या हुआ भवानी, यह कमेंट करना है। 7 पूर्णांक 1/4 ध्यान सुनो, और 9 पूर्णांक 3/4 को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? शांति से सुनना, ये डायरेक्ट जोड़ दो, 9 + 7 = 16 और 1/4 का एलसीएम 4, 1 + 3 = 4 हो जाएगा, कटा दो 1 16 1 15। मेरे से पूछो डायरेक्ट जोड़ देते, 7 + 9 = 16, 1/4 मतलब 25%,
और 3/4 मतलब 75%, जोड़ोगे तो 100% मन में हो जाएगा। 100% का मान डेसिमल में एक होता है, तो एक जोड़ लो, ये 916 एक, ये 17 होगा, 17 यहां से हो जाएगा, 16 × 17 बताओ, 16 × 17 डायरेक्ट बना दिए। फिर सुन लो, एक दो और प्रश्न दिखाते हैं। 9 पूर्णांक 3/4 प्लस 12 पूर्णांक 1/2 और 13 पूर्णांक 1/2, मान लो ये प्रश्न आ गया, सपोज कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ इसको देखो। 13 और 12 25, 25 और 9 34। अब ये 50% यानी आधा, 50% यानी आधा, तो 50 50 100% का मान एक, एक ले लो, अपूर्णांक में 3/4 रह जाएगा, तो ये होगा 34 और 1 35 पूर्णांक 3/4, 35 पूर्णांक 3/4 कंप्लीट हो। चलो आगे आ जाओ, एक प्रश्न दे देते हैं कि 7 पूर्णांक 3/4, 12 पूर्णांक 1/4, 16 पूर्णांक 1/2 और 9 पूर्णांक 1/2। इसको पूछ दिया कि बनाओ भाई, कैसे बनाओगे, पूछ दिया होकर, अब क्या होगा। तो 7 और 12, 12 7 19, 19 और 16, 19 में 16 जब जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 और 9, 35 और 9 44, पूर्णांक जोड़ने आएगा ऐसे, 7 12 16 और 9 जोड़ो, 9 6 15, 15 2 17, 17 7 24 2 2 4, ऐसे जोड़ना था, ये हम डायरेक्ट जोड़ दिए। अब यहां से भी डायरेक्ट जोड़ेंगे, तुम बोलोगे क्यों डायरेक्ट जोड़ दिए सर, डायरेक्ट जब जोड़ेंगे तो तुम बोलोगे ना कि क्यों डायरेक्ट जोड़ दिए। देखो 3/4 है यानी 75%, 1/4 यानी 25%, एक हो जाएगा, 75 और 25 100%, 100% का मान जानते हो कितना होता है, ये कटाओगे तो एक आ जाएगा। अब एक बात बता दे, 1/4 को 25% बोला जाता है, 1/2 को 50% बोला जाता है, 3/4 को बोला जाएगा 75%, 3/5 को बोला जाएगा 60%, कितना 60%। तो ये सब कैसे, तो परसेंट लाने के लिए 100 से गुना होता था, ये 100 से गुना करेंगे तब 25 आया, उसी को 25% बोला जाता है, समझ में। तो परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, तो ये परसेंट में 75 और 25 100, आइए 50% और 50% यानी 100 का मतलब है 44 और 2 46 आ जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल आंसर सही है आप लोग का, क्लियर चल रहे हो। अगला प्रश्न का आंसर क्या है आप लोग दे देंगे। चलो 21 पूर्णांक 2/3, ध्यान सुनना, 16 पूर्णांक 4/5, ये आ गया। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई, तो 21 और 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 1 7 और 2 × 1 3, 37। और यहां से एलसीएम ले लो, 3 5 का एलसीएम 15, 3 5 और 5 2 9 और 5 3 और 3 4 12 यानी 37 पूर्णांक 22/15। अभी भी रुकना नहीं, अभी भाग लगना है। 37 और 22 में देखो, तुमको सिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते जाते हैं, 15 × 1 = 15 और 15 × 7 = 22, ये होगा भागफल, तो भागफल तो साइड में आता है, और ये होगा शेषफल ऊपर जाता है, अब भाजक नीचे जाएगा, तो 37 और 1 38 पूर्णांक 7/15, 38 पूर्णांक 7/15। हाँ, रंजन तिवारी का बहुत खूबसूरत आंसर है कि सर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसके लिए बताओ कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्लास का लाना है ना, उसके लिए क्लास का लाओगे कि नहीं आओगे ये पहले बताओ, क्लास आओगे कि नहीं आओगे, कल एक ही दिन में सब दे दे कि कल फिर मत आओ, कहाँ गया भाई वो लड़का रंजन तिवारी, कल आओगे ना फिर,
क्लास करोगे कल? पहले ये बताओ, बोल ही नहीं रहा अब। चलो 16 पूर्णांक 3/7 और यहां से 19 पूर्णांक 3/4/7 दे दिए। अब इसका बनाओ क्या होगा, इसको बनाओ 19 और 16 जोड़ो 9 6 15 1 1 2 1 3 यहां से पूर्णांक लेंगे 7 एलसीएम होगा पूर्णांक 3 4 का जोड़ो तो ये हो जाएगा 4 3 7 तो ये कट जाएगा 7 से 1 आ जाएगा 35 और 1 36 हो जाएगा। बोलो कमेंट कर रहे हो सब? पढ़ने वाले जो हैं कहाँ गया सर, मेरा ऐप नहीं चल रहा है। कोर्स खरीदे नहीं है आप? अप्पू माइकल यादव और कोई है रंजन के अलावा क्वेश्चन जो करने वाले हैं? रंजन के अलावे और कोई है जो क्वेश्चन करने वाले हैं? मित्र बिल्कुल क्वेश्चन करते रहो, अच्छा लगता है मुझे, कल आना क्लास देखना मेरे साथ। चलो 13 पूर्णांक 2/5 एक 17 पूर्णांक 1/5 और 23 पूर्णांक 2/5 इसको अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? एकदम आसान आसान सा टॉपिक लाए अभी, इसके बाद कल से ना थोड़ा सा उसको करेंगे हार्ड थोड़ा सा, तो अभी आसान में चलेंगे। 13 17 क्या हो जाएगा 30, 13 17 हो जाएगा 30 और 30 23 53 और ये एलसीएम ले लो 5, सब का एलसीएम बराबर 2 1 3 3 2 5 हो जाएगा। बोलो सब का एलसीएम बराबर 1 होगा, 53 1 54 आ जाएगा, आया है? चलो कल हम फिर आते हैं 11 बजे का क्लास में परसेंटेज होगा, 11:15 से क्लास में परसेंटेज होगा, 11:15 के क्लास से परसेंटेज के लिए तैयार हो। अब वैल्यू पहले पीडीएफ भेजे हैं टेलीग्राम पे, तो वैल्यू को उसको देख लो, वैल्यू देख लो तब जाके परसेंटेज समझ में आएगा, ठीक है? कितने लोग क्लियर हो? मिलते हैं 11:30 में।